राजकोट में पानी के तेज बहाव में एक गाड़ी बह गई। हादसे के समय इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। ये लोग सड़क पर तेज बहाव में फंस गए थे और जान बचाने के लिए गाड़ी के पीछे आए ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी में सवार एक आदमी ट्रक पर चढ़ भी गया, लेकिन बाकी लोग ट्रक पर नहीं सवार हो पाए और तेज बहाव में गाड़ी बह गई। गाड़ी में सवार बाकी लोग भी पानी में बह गए। दमकल कर्मी पानी में बहे लोगों की तलाश में जुटे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से कुछ लोग जो कि पानी के बीचों बीच फंस गए थे, गाड़ी में सवार थे ये सभी लोग, और इनकी तरफ से कोशिश ये की गई थी कि ट्रक में सवार हो जाएं ताकि जान बच जाए। हालांकि एक जो शख्स था वो जरूर ट्रक में सवार हुआ, लेकिन गाड़ी में बाकी जो लोग थे वो ट्रक में सवार नहीं हो पाए। और किस तरीके से ये गाड़ी बहती चली गई और इसमें सवार लोग भी बह गए। जनक दवे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जनक, जो बाकी लोगों को तलाशने में तलाशा जा रहा है उनके बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए गायत्री, अब तक दमकल कर्मी उन 3 लोगों, जो कहा जा रहा है, जो लोगों ने बताया था कि 3 लोग अंदर हैं और 3 लोग बह गए हैं, तो उनको रेस्क्यू करने की कोशिश या कहें कि उन लोगों की ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है, पर अब तक कोई सफलता नहीं मिली क्योंकि तेज बहाव है और जो आकलन है जो मान रहे हैं उसके मुताबिक दमकल कर्मी तेज बहाव में जो लोग बहे हैं वो काफी दूर तक चले गए हैं। ऐसे में वो उसके आसपास के इलाकों में नहीं हो सकते। बावजूद 3 लोगों को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। लात पर ही ये नदी है और उसके पुल पर ये दुर्घटना हुई थी, जब एक वाहन चालक, जो जीप चालक है, उसने उसको लगा कि ये पानी के बहाव में वो गाड़ी को निकाल लेगा, लेकिन बीच कॉजवे पर ही गया और गाड़ी रुक गई। उसके पीछे ट्रक आ रही थी और ट्रक में बचने की कोशिश की, लेकिन एक ही शख्स ऊपर चढ़ पाया और तेज बहाव इतना था लात पर नदी पर कि जीप को खींच कर ले गया। उसमें देख सकते हैं आप, तस्वीरों भी साफ तौर पर दिख रहा है कि बताया जा रहा है कि 3 लोग उसमें बह गए हैं और अभी भी दमकल कर्मी जो है वो उनको ढूंढने की कोशिश इलाके में कर रहे हैं। जी, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजकोट की। देखिए किस तरीके से जो पानी है लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है और इस सब के बीच उन लोगों की जान पर बनाई जो गाड़ी के भीतर सवार थे और गाड़ी बीचों बीच फंस गई थी। हालांकि जो लोग गाड़ी में सवार थे, यहां पर एक ट्रक भी था, उसमें देखिए किस तरीके से ये गाड़ी पानी के बीचों बीच बह गई और इसमें सवार 3 लोग भी बह गए हैं जिनको तलाशा जा रहा है। लेकिन उससे पहले इन लोगों ने कोशिश की थी, जो गाड़ी में तमाम लोग सवार थे उनमें से एक ही शख्स ट्रक पर चढ़ पाया था और उसकी वो अपनी जान जरूर बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आया, लेकिन बाकियों की कोशिश बेकार हो गई उस वक्त जब गाड़ी पानी के बीचों बीच बहती चली गई और ये जो लोग थे वो भी बह गए। जनक, आप बता रहे हैं कि आसपास के इलाकों में नहीं हो सकते हैं, तो फिर कितना वक्त और लग सकता है? प्रशासन क्या कह रहा है? आप इन 3 लोगों को खोजने की, मिलने की, सकुशल मिलने की कितनी उम्मीद? देखिए, उम्मीद की जा सकती है जब तक किसी तरीके की और जानकारी नहीं मिलती। कोशिशें लगातार जारी है और आगे अब जहाँ पर ये लातपरी जो नदी है उसके आगे का हिस्सा जहाँ पर जो गांव आते हैं वहां पर किसी भी तरीके से लोगों को पहुंचाकर पानी को तो हालांकि रोका नहीं जा सकता, लेकिन वहां पर एक नजर रखी जा सके, शायद कोई जो बच गया हो और उसमें कोई मिलने की उम्मीद हो। लेकिन अभी उम्मीदें बेहद कम है क्योंकि पानी का तेज बहाव है और शायद 3 को तैरना भी शायद नहीं आता था, ये साफ तौर पर दिख रहा है जो पानी में डूबते हुए तस्वीरें जो दिख रही होते हैं। ऐसे में अभी फिलहाल उम्मीद ही कायम है कि शायद कोई मिल जाए, लेकिन फिलहाल अभी ये कहना मुश्किल है कि 3 लोगों को बचाया जा सके या उस तरीके से, लेकिन कोशिश है अभी भी दमकल कर्मियों की ओर से लगातार जारी है। बिल्कुल, तो कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को तलाशा जा सके, लेकिन पानी का बहुत तेज बहाव, जिनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से बड़ी ही रफ्तार से ये बह रहा है पानी और इसके बीच ये कार जिसमें 3 लोग सवार थे और वो इस गाड़ी के साथ साथ बहते चले गए। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को तलाशा जा सके। और अभी मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है। किंग सर्कल में पानी भरने से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो रुक गई। सायन में पुलिस स्टेशन में बारिश का पानी भर गया। वर्ली में एक बार फिर समंदर में ऊंची लहरें उठती दिखी। अंधेरी में सड़क पर पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। हिंद माता इलाके में सड़कों पर पानी भर गया, जिसके बाद बीएमसी के कर्मचारी मशीनों की मदद से सड़क पर भरे पानी को निकालने की कोशिश में जुटे दिखाई दिए। चेंबूर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहां पर बारिश और उसके बाद पानी ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई। जहां किंग सर्कल में सड़क पर पानी भर गया तो समंदर में ऊंची लहरें उठने से जो जूही चौपाटी का
इलाका है वहां पर लोगों की मुसीबत बढ़ गई। हालांकि वहां पर जो लाइफ गार्ड्स हैं उनको तैनात किया गया ताकि लोग वहां तक ना पहुंचे। इस सब के बीच सड़कों की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से जगह जगह पानी भरा दिखाई दिया, चाहे बात मुंबई की हिंदमाता की हो, अंधेरी की हो या फिर दूसरे इलाकों की। उधर मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच अब समंदर में हाई टाइड की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इतना ही नहीं, वहां बेहद तेज हवाएं भी चल रही हैं। हालात को देखते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है और साथ ही समंदर के किनारे लाइफ गार्ड को तैनात किया गया है। ये देखिए जुहू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, एक तरफ बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है क्योंकि बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोरोना से पहले ही लोग परेशान हैं और इस सबके बीच समंदर में ऊंची उठ रही ये लहरें मुसीबत का सबब बनी हुई है। हाई टाइड का खतरा बढ़ गया है और इस सबके बीच जो लाइफ गार्ड है उनको तैनात कर दिया गया। लोगों से ये अपील की गई है कि वो किनारों तक ना पहुंचे। हरी चुनौती से गुजर रही है, पहले कोरोना, अब बारिश और उसके साथ साथ मुंबई के समुद्र में हाई टाइड। आप देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जुहू चौपाटी पर, कितनी तेज हवाएं यहाँ चल रही हैं और उन हवाओं के साथ समुद्र में हलचल और लहरें उठ रही हैं। ये लहरें इसलिए क्योंकि हाई टाइड जो है वो बताया गया था कि 12:30 बजे के आसपास 4.63 मीटर का हाई टाइड होगा और इस दौरान अगर मुंबई में बारिश होती है तो फिर मुसीबत हो सकती है मुंबई के लिए, क्योंकि हाई टाइड के दौरान समुद्र जो है वो बाहर की तरफ पानी फेंकता है और ऐसे में जो स्थिति आपको दिख रही है, जिस तरह से तेज हवाएं इस वक्त जुहू चौपाटी पर चल रही हैं, उसके साथ बारिश हो रही है और साथ ही साथ उसके साथ समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें हाई टाइड की वजह से उठ रही हैं। आप यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं जुहू चौपाटी की, जो कलश रखा गया था खासतौर पर पूजा सामग्री डालने के लिए, वो हवा की वजह से अब पलट चुके हैं। आप देखिए किस तरह की हवाएं चल रही हैं। आप जो लाल झंडा लगा हुआ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जुहू चौपाटी में किस तरह से तेज हवाएं, उसके साथ साथ हाई टाइड के साथ बड़ी बड़ी लहरें और तेज बारिश शुरू हुई है। खास तौर पर ये मुंबई के लिए कठिन समय है, क्योंकि इस समय में अगर तेज बारिश मुंबई में जारी रही तो पूरे मुंबई में हालात बदतर हो जाते हैं, क्योंकि पानी भरना लो लाइन इलाकों में शुरू हो जाता है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से अंधेरी इलाके में पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में लबालब भर गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। जिधर भी नजर गई वहां पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां आराम से गुजर रही थी वहां पैदल चलना भी अब मुश्किल हो गया है। इस दौरान पानी में डूबी कुछ गाड़ियां वहां से गुजरती दिखाई दी। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में पानी भर गया और इसकी वजह से वहां ऐसे हालात बन गए मानो कोई नदी यहां पर बह रही हो। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया जिससे लोगों को घुटनों तक भरे पानी में डूबकर मजबूरी में यहां से गुजरना पड़ा। मुंबई में बारिश थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से मूसलाधार बारिश पिछले 1 से 1.5 घंटे में हुई है उससे मुंबई के अलग अलग हिस्सों में पानी लग चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंधेरी सबवे पर, जहां पर जो सबवे है वो नदी में तब्दील हो चुका है और आसपास के इलाके भी उससे अछूते नहीं है। पहले आप तस्वीर दिखाता हूँ, ये अंधेरी सबवे है और ये अंधेरी ईस्ट और वेस्ट जाने का जो है ये रास्ता है, मुख्य रास्ता है ये। यहाँ से तमाम जो लोग हैं वो वेस्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन आज जिस तरह से नदी में तब्दील हुआ आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो स्थिति है वो आप नदी में देखते हैं, पानी इस तरह का बहता नदी में है, लेकिन यहाँ पर मुंबई की सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है, साथ ही जो नाला है उसके आसपास जिसके जरिए बीएमसी जो है पानी निकालने का दावा कर रही थी, वो दावा भी अब खोखला नजर आ रहा है और नाले के ऊपर से पानी बह रहा है। जिस तरह से लोकल ट्रेन जा रही है, पिछले साल पानी ट्रैक तक पहुंचा था जिस तरह से बारिश हुई थी, और अभी जिस तरह से बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है उसके मुताबिक अगर बारिश होती रही तो फिर वो दिन दूर नहीं जब पानी ट्रैक पर जाएगा और पूरा सबवे बंद हो जाएगा। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से सायन पुलिस स्टेशन में पानी भर गया। वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर की सड़कें भी पूरी तरह पानी में डूबी दिखाई दी जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। मुंबई में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है और उसके कहर से अब पुलिस स्टेशन भी नहीं बच पाए हैं मुंबई के। मैं इस वक्त मौजूद हूं
सायन पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। और आप यहां की तस्वीरें देखिए, यहां भी अब पानी भर गया है और जिस तरह से ये बारिश हो रही है उसके चलते हर साल की तरह इस साल भी सायन पुलिस स्टेशन पानी में ही नजर आने की उम्मीद दिख रही है। आप देखिए जो गेट है वहां तक पानी पहुंच गया है और जिस हिसाब से बारिश हो रही है, लगातार तेज बारिश जारी है, उसके चलते थोड़ी देर में अगर इस तरह पानी भरता रहा तो फिर पुलिस स्टेशन के पहुंच जाएगा अंदर का जो हिस्सा है वहां पर, जहां पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, पूरा ये रोड का हिस्सा है वो बिल्कुल जो है भर गया है। और देखिए सामने जो पुलिस वाला है, जो सामने आपको दिख रहा है, वो पैदल आना पड़ रहा है, गाड़ी सामने खड़ी कर दी गई है। और सामने खड़ी करने का, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी लाएंगे तो बंद पड़ने का खतरा हो जाएगा और गाड़ी बीच में बंद पड़ जाएगी पानी की वजह से। उसी वजह से जो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन आ रहे हैं वो पानी में घुस के उनको जाना पड़ रहा है पैदल ही। मूसलाधार बारिश के चलते सायन पुलिस स्टेशन के गेट और आसपास के जो एरिया है वहां पर पानी भर गया और लगातार भारी बारिश की वजह से पानी अब अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी पुलिस स्टेशन के अंदर पानी भरने का जो खतरा है वो लगातार बढ़ गया है। पुलिसकर्मी अपनी गाड़ियां पहले ही पार्क कर चुके हैं और पानी में घुसकर पुलिस स्टेशन ड्यूटी पर आ रहे हैं, उनके भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में जो सुबह से बारिश चल रही है उसकी वजह से दादर के हिंद माता का ये हाल हुआ है। हालांकि लगातार तेज बारिश जो है वो नहीं हुई है, रुक रुक के तेज बारिश हो रही है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी जरा सी बारिश में हिंद माता में सड़कों पर पानी जो है वो आ चुका है। लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जहाँ तक दूर तक नजर जा रही है वहां तक पानी जो है सड़क पर भर चुका है। बीएमसी ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सड़क पर पानी ना जमा हो, इसीलिए यहाँ पर वाटर पंपिंग जो है वो भी लगवा दी है। पानी निकास करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैनहोल जो है वो पानी निकास के लिए खुला कर दिया है और बीएमसी के कर्मचारी जो है वो यहाँ पर पानी यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि बीएमसी की ये तैयारी काफ़ी नहीं है, क्योंकि लगातार तेज बारिश नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया, रुक रुक के तेज बारिश हो रही है और ऐसी बारिश में भी मुंबई के हिंद माता और अन्य इलाकों का ये हालत है। साफ तौर पर पता चल रहा है कि बीएमसी किस तरह से फेल हुई है। मुंबई में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। दादर के हिंदमाता इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पानी भरने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई और उसके बाद जो बीएमसी के कर्मचारी हैं वहां मशीनों की मदद से सड़क पर भरे पानी को निकालने की कोशिश में जुटे दिखाई दिए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक की, किस तरीके से ट्रैक तक पानी जा पहुंचा है, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई की सड़कों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, यानी तेज बारिश भी नहीं हुई है, थोड़ी देर की इस बारिश ने किस तरीके से मुंबई के इलाकों को पानी में लबालब कर दिया है। चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, सड़कें पूरी तरीके से नदी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक पर किस तरीके से पानी भर गया है और ये हाल है थोड़ी देर की बारिश का। ऐसे में सवाल प्रशासन पर है कि क्या मानसून से पहले जो तमाम तैयारियां होने का दावा किया गया था, क्या वो तैयारियां नहीं की गई हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अहम सवाल खड़े करती हैं। और इस सबके बीच खबर ये भी है कि अगले जो 3 दिन है उनको लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में कैसी तस्वीर बनेगी मुंबई में जब तैयारियां ये हैं। दक्षिणी जापान में आई भीषण बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। वहीं कुमामोतो और कागोशिमा में रहने वाले करीब 75,000 लोगों को रात भर हुई भारी बारिश के बाद इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया। कुमामोतो में बाढ़ आ गई और उसके बाद पूरा इलाका पानी में डूबा दिखाई दिया, जबकि भारी बारिश के बाद वहां कुछ जगहों पर जमीन खिसकने से कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दक्षिण जापान में बाढ़ ने मुसीबत बढ़ा दी, 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग लापता हैं, बाढ़ के पानी में जो पूरा इलाका था वो डूबा दिखाई दिया और सबसे बड़ी बात यह कि कई जगह ऐसी हैं जहां से जमीन खिसकने की भी खबर सामने आई है। हजारों की तादाद में जो लोग हैं उन्होंने रात भर हुई बारिश के बाद इलाके को उन्हें खाली करने के लिए कहा गया था।
ये देखिए कुमामोतो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जो पूरा इलाका था वो पानी में डूब गया। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जहां तक भी नजर जा रही है वहां सिर्फ पानी है। सड़कें, इमारतें, गाड़ियां सब कुछ पानी में डूब गए हैं। भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूटा हुआ नजर आया। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था कि मानो वहां कोई तेज धार में नदी बह रही हो, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाता ले जा रहा हो। बाढ़ के हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूब गई, जबकि कई फीट तक भरा पानी पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। यानी ये हालात हैं जापान के कुमामोतो के। और आइए अब तस्वीर आपको दिखाते हैं दक्षिणी चीन की, जहां भारी बारिश हुई और इसकी वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बारिश की वजह से चीन के अनहुई प्रांत समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सड़कों पर भरे पानी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां कोई नदी बह रही हो, हर तरफ पानी ही पानी है। इस दौरान एक मशीन पानी से भरी सड़क पर जाती हुई भी दिखाई दी, जो रास्ते से मलबे को हटाकर पानी के लिए रास्ता बनाती दिखी। बाढ़ का जो पानी है वहां एक पुल तक भी जा पहुंचा है। खेतों में भी बाढ़ का पानी भर गया और इससे फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। शहर की सड़कों पर भी पानी भरने की वजह से वहां से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान राहत और बचाव की जो टीम है बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाने में जुटी रही। दक्षिणी चीन में जून से शुरू हुआ बाढ़ में अब तक जून से शुरू हुई जो बारिश है उसके बाद जो बाढ़ आई, अब तक 600 लोग या तो मारे गए हैं या फिर वो लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा मकान अब तक बर्बाद हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। बताया गया कि इमारत काफी कमजोर हालत में थी, लिहाजा इमारत में रहने वाले सभी लोगों को पहले ही इमारत से निकाल लिया गया था। इसके बाद आसपास के लोगों को भी इमारत से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। इमारत का जो अगला हिस्सा था वो आगे की तरफ झुक गया था और इसके बाद तेज आवाज के साथ पूरी की पूरी इमारत एक झटके में आगे की तरफ गिर पड़ी। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गनीमत ये रही कि सभी लोग जो इसमें मौजूद थे उनको बाहर निकाल लिया गया था। 3 मंजिला ये इमारत, पहले आगे का हिस्सा आगे झुका और उसके बाद देखते देखते पूरी जो इमारत थी वो गिर पड़ी। एक बार फिर से देखिए तस्वीरें। देखिए पहले आगे का हिस्सा झुका इस इमारत का और उसके बाद पूरी इमारत देखते ही देखते धराशायी हो गई। इस इमारत के भीतर जो लोग थे उन सभी को निकाल लिया गया था और फिर एक झटके में ये इमारत मलबे में तब्दील हो गई। महाराष्ट्र के बुलढाणा की तस्वीरें, 3 मंजिला इमारत कैसे धराशायी हुई उसकी तस्वीरें आपके सामने। काफी कमजोर हालत में थी और इमारत में जो लोग रहते थे लिहाजा उनको पहले ही बाहर निकाल लिया गया था और उसके पास जो आसपास के लोग थे उनको भी दूर कर दिया गया था, उनसे भी कहा गया था कि वो दूर ही रहें। और फिर इमारत का अगला हिस्सा आगे की तरफ झुका और फिर देखते ही देखते धराशायी हो गई ये 3 मंजिला इमारत। दिल्ली में डीआरडीओ की मदद से तैयार कोविड सेंटर का दौरा करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चाहे कोरोना हो या फिर चीन सीमा विवाद, भारत दोनों मोर्चों पर जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों फ्रंट पे इंडिया की तैयारी काफी तेज दिख रही है, इस तरह के अस्पताल चाहे बॉर्डर की बात है। बिल्कुल सभी जगह तैयारी है, हमारी तैयारी में हम कभी पीछे नहीं रहते। वहीं कोविड सेंटर के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एलएसी पर चीन की हरकत को गलत बताया। उन्होंने चीन को कड़ा सबक सिखाए जाने की मांग भी की और यह भी कहा कि पूरा देश इस मामले में सरकार के साथ है। चाइना ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया और उसको सबक सिखाया जाए। सारा देश केंद्र के साथ है और सारा देश चाहता है कि उनको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लद्दाख में वायुसेना की मुस्तैदी से जुड़ी 7 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए ये 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुखोई 30 एमकेआई के साथ मिग 29 और मिराज
2000 लड़ाकू विमान तैनात किए जा चुके हैं। इनके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर भी एलएसी पर तनाव के बीच लद्दाख में उड़ानें भर रहे हैं। इन सब के बीच सेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए M777 होविट्ज़र तोप को भेजने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही MI-17 V5 हेलीकॉप्टर भी लद्दाख एयरबेस पर मौजूद रहेंगे। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे चीन के साथ जारी विवाद के बीच भारत पूरी तरीके से तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ तौर पर कह चुके हैं कि चाहे बात कोरोना की हो या फिर चीन के साथ विवाद की, हम जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और ये हम आपको दिखा रहे हैं लद्दाख, जहां पर चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि भारत की तैयारी क्या है, किस तरीके से भारत ने अपनी मुस्तैदी को पुख्ता रखा है। जहां इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है Sukhoi-30 MQI के साथ MiG-29 और Mirage-2000 लड़ाकू विमान तैनात हैं। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर भी LAC पर तनाव के बीच लद्दाख में लगातार उड़ानें भर रहे हैं। तो सीमा पर तनाव के बीच भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ ही वायुसेना के विमानों ने फॉरवर्ड एयरबेस पर उड़ान भरी है। गलवान घाटी में 15 जून को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच जो झड़प हुई, उस भिड़ंत के बाद लद्दाख में LAC पर वायुसेना हाई अलर्ट पर है। भारतीय वायुसेना के विमान सरहद पर गरज रहे हैं। चीन की सरहद के पास फॉरवर्ड एयरबेस से लड़ाकू विमान MiG-29, Sukhoi-30, MQI और अपाचे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इस ड्रिल के साथ ही भारतीय वायुसेना ने चीन को संदेश दिया कि वो किसी भी गुस्ताखी का मुकम्मल जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। फॉरवर्ड एयरबेस पर भारतीय वायुसेना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है, और ऐसे में वायुसेना ने लड़ाकू विमान Sukhoi-30 MQI को तैनात कर दिया है। Sukhoi-30 MQI को भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है। Sukhoi-30 लड़ाकू विमान 3000 किलोमीटर तक, यानी 3000 किलोमीटर तक अपने दुश्मन का खात्मा करने की ताकत रखता है। भारतीय वायुसेना का ये लड़ाकू विमान नई तकनीक से पूरी तरह लैस है। अपनी उड़ने की क्षमता, हवा और जमीन में तेजी से मिसाइलें दागने की वजह से दुश्मन इससे खौफ खाते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले MiG-29 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, MiG-29 विमान को भी LAC पर तैनात कर दिया गया है। सुखोई का छोटा भाई कहे जाने वाला भारतीय वायुसेना का MiG-29 अपग्रेड के बाद और घातक हो गया है। इससे ना केवल वायुसेना की ताकत बढ़ी है, बल्कि पाकिस्तान और चीन की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि MiG-29 लड़ाकू विमान को अब ईंधन भरने के लिए नीचे उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है। करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस लड़ाकू विमान की रेंज करीब 1400 किलोमीटर है, जो पलक झपकते ही अपने दुश्मनों पर टूट पड़ता है। और आइए अब आपको दिखा देते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर किस तरीके से पूरी तरीके से तैयार है। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में शुमार है। इस महीने के आखिर तक 6 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को और मिल जाएंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर 20,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। अपाचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर और उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। किसी भी तरह का मौसम हो, किसी भी तरह के हालात हो, अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं बख्शता। फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात वायुसेना अधिकारियों ने बताया कि वो हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चीन अपनी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत ने वायुसेना के लड़ाकू विमान LAC पर तैनात कर दिए हैं, जिनमें MiG-29, Sukhoi-30 और अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जो चीन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं।